सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव हरासर में गत शाम को सांसद राहुल कसवा पहुंचे और तेजा जी के मंदिर में धूप लगाकर पूजा अर्चना की। कसवा के साथ सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पुसाराम गोदारा सहित अनेक कांग्रेस नेतागण मौजूद रहे। पंडित भागीरथ शास्त्री ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई। कार्यक्रम में सांसद राहुल कसवा का 51 किलो की फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद राहुल कसवा ने कहा कि हमें इस युग में भी तेजा जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और हमें हर हाल में दूसरों की मदद व सहयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। सांसद राहुल कसवा ने हेतराम खिलेरी व ग्रामीणों की मांग पर गौशाला में 11 लाख रुपए टीन शेड के निर्माण के लिए देने की घोषणा मंच से की। रतनगढ़ विधायक पुसाराम गोदारा ने कहा कि लोक देवता तेजा जी के प्रति घर घर में आस्था बढ़ रही है। उन्होंने मंदिर का निर्माण कराने वाले खिलेरी परिवार की प्रशंसा की। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने गाँव में कार्यक्रम के लिए आयोजित परिवार का धन्यवाद जताया। कार्यक्रम में सरपंच राजेंद्र खिलेरी, बाबूलाल खिलेरी, हेतराम खिलेरी के नेतृत्व में ग्रामीणों की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर मंच पर पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वाल, सुरेंद्र हुड्डा, अरविंद चाकलान, धनीराम मेघवाल, रतनलाल मेघवाल, महेंद्र डुकिया, अजय बणसिया, मनफूल टांडी, नरेंद्र बेनीवाल, सुरेश खेरिया, भिकाराम ओजला, रामचंद्र गोदरा, दीवान सिंह, रामकृष्ण जाट, रामकृष्ण गुलेरिया, महेंद्र गोदरा, धर्मेंद्र कीलका, भगत शास्त्री, चंद्र प्रकाश घिंटाड़ा आदि लोग मंचस्थ रहे। अतिथियों का भवलाल खिलेरी, बाबूलाल खिलेरी, हेतराम खिलेरी, चुनीलाल खिलेरी, भगवान आराम, गिरधारीलाल मील सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्वागत किया। शक्ति के अंदर बहुत बड़ी प्रेरणा आई है। आज दशमी के ऊपर पूरे जिले भर में काफी गांव में जागरण मंदिरों का निर्माण किया गया। आज खिलेरी परिवार का धन्यवाद देते हैं, बहुत बड़ा अच्छा एक मंदिर बनाया है और अच्छी सुंदर लोकेशन पे बनाया है। गांव की गौशाला भी बहुत अच्छी बनी हुई है। गौशाला के लिए आज मैंने 11 लाख रुपए की सांसद निधि से डोनेशन भी दी है। खिलेरी परिवार का धन्यवाद देता हूं और सभी युवाओं से भी हम देते हैं कि हम हमारे लोक देवताओं से उनकी कार्यशैली के लेकर चले थे, कैसे गायों की रक्षा करने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए कैसे कुर्बानियां दी गई हैं, उनका सीखने को बहुत कुछ युवाओं के लिए भी है। अगर आपका जज्बा सही हो और सही मोटिवेशन लाइफ में मिले तो पीछे मुड़ने के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कुछ सीखने को है। बड़ी खुशी है कि आज मेरे जिले के अंदर लोकसभा क्षेत्र में बहुत अच्छी धूमधाम से आज रामदेव जी का भी है और हमारे तेजाजी महाराज का आज तेजस्वी है, तो सब लोग अच्छे लोग में शामिल हो रहे हैं और युवा पीढ़ी शामिल हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में राजस्थान जल महोत्सव का उत्खंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विधायक मनोज मेघवाल, विकास अधिकारी जगदीश व्यास, सरपंच सविता राठी के सानिध्य में गांव के सैकड़ों लोगों ने जल देवता की पूजा अर्चना की। हरतिमा ढाणी में उमंग उत्साह व धूमधाम के साथ आयोजित कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि जल ही जीवन है और जल का संरक्षण हम सबको करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है कि जल को अनमोल समझे और इसकी बर्बादी को रोके। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि गोपालपुरा में अमृत सरोवर के नजदीक हुए जल महोत्सव की पूर्ण सार्थकता बनी है। वीडियो जगदीश व्यास ने सभी को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कछवाहा, डॉक्टर प्रदीप सोनी, सहायक अभियंता जुगल किशोर ने भी विचार व्यक्त किए। सरपंच सविता राठी का अतिथियों ने शोल उड़ाकर व माला पुष्प गुच्छ के रूप में भेंट करके अभिनंदन किया। कार्यक्रम में एक्सीएन धीराचंद शिवराण, रामानंद फलवाड़िया, ठाकुरमल कताला, कमलकांत बेदी, राजेश सैनी, सुरेश कंवर, सहायक अभियंता राजेंद्र प्रजापत, LRP दीपिका, दिलीप प्रजापत सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। इस अवसर पर बेगराज राठी स्कूल में जल संरक्षण पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को विधायक व अन्य अतिथियों ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा गांव के सार्वजनिक तालाब से 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर हरितिमा ढाणी तक निकाली और जल संरक्षण का संदेश दिया। पंडित शिव शंकर ने जल देवता की पूजा अर्चना करवाई। संचालन कवि हरिराम गोपालपुरा ने किया। वहीं छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। शहीद जल का संरक्षण, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए जल व्यर्थ नहीं करूंगा। देखिए जल कितना जरूरी है और वो एक संदेश देने का प्रयास आज किया गया है और जल महोत्सव जिसको नाम दिया गया है, वास्तव में इसका उद्देश्य ये है कि लोग समझेंगे कि जल क्यों जरूरी है, क्यों उसका संरक्षण जरूरी है, क्यों उसका व्यर्थ बहने उसका प्रबंध करना जरूरी है। और जो एक इस बार अच्छा वर्षा का सीजन गया है इंद्र भगवान की मेहरबानी से, तो एक प्रार्थना भी आज की है कि हे भगवान अगले वर्ष फिर जोर शोरों से इसी तरह से आना। और इस बार जिस तरह से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो एक शानदार बरसात हुई है और आज
खुशी का इसलिए है कि वर्षा के कारण जो फसल भी हुई है वो बहुत शानदार है, तैयार है, और उम्मीद करते हैं कि शानदार अब फसल जो कटाई हो वो बढ़िया हो। तो जल संरक्षण मेन उद्देश्य है और उसके लिए जल महोत्सव आज, क्योंकि एकादशी का दिन है जल जूनी का, तो इस पर ये सरकार ने प्रोग्राम रखा है और इस उपखंडे प्रोग्राम को गोपालपुरा में किया गया है। तो सरपंच साहिब सविता जी ने एक शानदार प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया है और संदेश देने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये संदेश लोगों तक पहुँचेगा और लोग जल का महत्व समझेंगे। सुजानगढ़ की सिद्धि गणेश सेवा समिति द्वारा आयोजित 32वें गणेश चतुर्थी महोत्सव के अंतिम दिन नानी बाईरो मायरो की कथा में कथावाचक गोविंद भैया ने कहा कि जिसके पास मान नहीं है वो गरीब इंसान है। उन्होंने कहा कि भगवान हर हाल में भक्त की सहायता करने के लिए आते हैं और इसी के तहत नानी बाई के यहाँ मायरा बनने के लिए भगवान आए। कथा में पहुंचे विधायक मनोज मेघवाल भी मायरे की रस्म में शामिल हुए और नाचते गाते हुए भक्तों के साथ नानी बाई का मायरा भरा। वहीं भक्तों ने भगवान कृष्ण की मनोरम झांकी के सामने नृत्य किया। दूसरी ओर विधायक मनोज मेघवाल ने भामाशाह पवन कुमार सोनी, सहदेव सोनी, गिरधारी लाल जांगिड़, शंकर माड़ी, सुरेश अरोड़ा व अन्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। समिति अध्यक्ष अरविंद सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे उप सभापति अमित मारुठिया, कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीस कोरी, विजयधर बेनीवाल, खड़ग सिंह भाटिया, रामावतार शर्मा, कन्हैयालाल माड़ी, बजरंग सेन आदि का भी स्वागत किया गया। इसके बाद कथा का विश्राम हुआ और शहर के मुख्य मार्गों से होती है भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के बाजारों से होकर निकली। भगवान के भजनों पर भक्त नाचते गाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। अनेक झांकियां भी सजाई गई। सुजानगढ़ शहर में जल झूलनी एकादशी पर विभिन्न मंदिरों से गाजेबाजी के साथ रेवाड़ी की सवारियां निकाली गई। नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, बागड़ा मंदिर, जाट मंदिर, सूर्य भगवान मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर सहित 23 मंदिरों से निकली रेवाड़ी की सवारियां राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा के जयकारों के साथ घंटाघर पहुंची। गोपीनाथ मंदिर के पंडित लालचंद कौशिक ने बताया कि सभी सवारियों का संगम घंटाघर चौक पर हुआ, जहां पर व्यापारियों व आम लोगों द्वारा सवारियों पर पुष्प वर्षा की गई और भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद यहां से सभी सवारियां बैंड बाजे के साथ नाथो तालाब पहुंची, जहां पर आरती के बाद श्रद्धालुओं ने धोक लगाकर आशीर्वाद लिया। नाथो तालाब पर मेला भी भरा। इस दौरान पुलिस कर्मियों का जाप्ता भी तैनात। उनकी गाथा दूर करेंगे राधे राधा श्याम राधा नाम के नाम।